नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। सूबे में डिप्टी सीएम के गृह जिला कटिहार में सरकार की बजट को बिगाड़ डाला मुखिया जाकिर अंसारी। ग्रामीण विकास योजना से 10 वर्ष पूर्व निर्मित सामुदायिक भवन को रात के अंधेरे में जेसीबी लगाकर कर डाला धराशायी। मनिहारी अनुमंडल के नीमा पंचायत में 10 वर्ष पूर्व क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए सामुदायिक भवन का हुआ था निर्माण। मुखिया ने कहा, जिला प्रशासन के मौखिक आदेश पर भवन को किया हूँ ध्वस्त। ध्वस्त स्थल पर बनाऊंगा करोड़ों कागज से बनने वाली पंचायत सरकार भवन। पंचायत के लोगों ने कहा, अब सरकार की सामुदायिक भवन के लाभ से महरूम हो गई क्षेत्र। जेसीबी से ध्वस्त हो रही बिल्डिंग की बनाई जा रही वीडियो पर मुखिया के लोगों ने छीन ली थी मोबाइल। वीडियो बनाने के दौरान की गई हाथापाई, मुखिया की दमबाई से परेशान है क्षेत्र। देखिए, यहाँ सामुदायिक भवन था जिसे बहुत सारे ग्रामीणों को लाभ मिलता था, जो कि बिना बताए बिना कोई सूचना के रात में, अंधेरी रात में जेसीपी लाकर इस समुदाय भवन को तोड़वाया गया। हम लोग के द्वारा पूछने पर, विरोध करने पर बताया कि नहीं, ये ऊपर से ऑर्डर है और यहाँ एक सरकारी सामुदायिक भवन बनेगा जो कि मिनी ब्लॉक के तरह काम करेगा, मिनी ब्लॉक के तरह चलेगा और उससे आप ही लोग को लाभ मिलेगा। जबकि हम लोग बोले कि नहीं, तो इसका कोई प्रमाण होना चाहिए, दिन में टूटना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग करना चाहें उस पर भी मुखिया जी रोक दिए, बोले कि नहीं, आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग मत कीजिए और जो भी अधिकारी आएंगे वो पूछेंगे तो उनको सवाल का जवाब दिया जाएगा। कौन है मुखिया? मुखिया है जाकिर अंसारी, जो कि नीमा के हैं। हमारा ये पंचायत नीमा पंचायत का सिमलापाड़ा गांव है, वार्ड नंबर 6 है। मेरा नाम हिमांशु कुमार कुशवाहा है। जिला विकास को गति देने वाली विकास भवन से उप विकास आयुक्त ने मामले पर लिया है संज्ञान। ध्वस्त होती भवन की वीडियो क्लिप देख हो गए हैं हैरान। प्रखंड की वीडियो से पूछा, किस वजह से ध्वस्त किया गया वो सामुदायिक मकान? डिप्टी सीएम ने कहा, मामला है संज्ञान में, जांच उपरांत होगी त्रिस्तरीय पंचायती राज के मुखिया पर बड़ी कार्रवाई। रंगीन चश्मे का ये मुखिया जो रहा है अब हाथ, सॉरी सॉरी कहकर ध्वस्त कर रहे अपने काले कारनामे से बजट पर लगा डाला बाढ़। मनिहारी प्रखंड के नीमा पंचायत सिमला पारा का था सामुदायिक भवन। होना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो आप उसको उसको उसकी प्रोसेस को, उसके स्टेटस बताइए, ठीक है, और उसको उसके आधार पर जो सुसंगत धारा के अंदर कार्रवाई करनी है वो कीजिए। कौन एक्सिक्यूटिंग एजेंसी कौन है? मुखिया ही है ना? कौन है मुखिया वहां का? जाकिर अंसारी, उनको आप पूछिए, रिटर्न में मेरे रेफरेंस में जाके पूछिए। ऐसा जानकारी हमको उसका वीडियो क्लिप भी मिला है, वो तोड़ रहा है जेसीबी से। हम ये अगर आपके इसी का पार्ट है तो चलेगा, अगर इस तरह से अपने मन से कोई सरकारी बिल्डिंग तोड़ रहा, अभी जान रहे हो सकता है उसकी आवश्यकता हो, उसके बिना वहाँ नहीं बनेगा, बिल्डिंग वहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये उसके पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट होना चाहिए था, ना कि वो डायरेक्ट कैसे कर सकता था। इसको आप देख लीजिए, बताइए, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आज ये वीडियो उसको स्पष्ट पूछिए, चूंकि हम ध्यान से पूछेंगे, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप उसको, उससे बेहतर है कि आप पहले उससे पूछिए, ठीक है, ताकि आप। जिला विकास को गति देने वाली विकास भवन से उप विकास आयुक्त ने मामले पर लिया है संज्ञान। ध्वस्त होती भवन की वीडियो क्लिप देख हो गए हैं हैरान। प्रखंड की वीडियो से पूछा, किस वजह से ध्वस्त किया गया वो सामुदायिक मकान? डिप्टी सीएम ने कहा, मामला है संज्ञान में, जांच उपरांत होगी त्रिस्तरीय पंचायती राज के मुखिया पर बड़ी कार्रवाई। रंगीन चश्मे का ये मुखिया जो रहा है अब हाथ, सॉरी सॉरी कहकर ध्वस्त कर रहे अपने काले कारनामे से बजट पर लगा डाला बाढ़। मनिहारी प्रखंड के नीमा पंचायत सिमला पारा का था सामुदायिक भवन। अभी जानकारी हुई है, मैंने जांच का आदेश दिया है, जांच का प्रतिवेदन आने दीजिए, फिर कार्रवाई होगी। जाकिर अंसारी मुखिया बाइक से उतरता हुआ, सॉरी सॉरी भैया मेहरबानी करते हैं, कैमरा की तरफ उंगली दिखाते हुए, जरा सा हाथ जोड़ कर मेहरबानी करते हैं, जरा सा हाथ जोड़ कर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे नर्म निवेदन है कि आप संयम से काम ले, आप समझिए परिस्थिति। बस सामुदायिक भवन जो आपने तोड़ा, किसके कहने पर तोड़ा भैया? मेहरबानी करते हैं, जरा सा मेहरबानी कर रहे हैं भैया,
हम मेहरबानी आपसे हमारे सवालों का जवाब मेहरबानी नहीं चाहिए। सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिस भवन को लोगों को लाभान्वित के लिए बनवाया गया था, सरकार ने बनाया था, उसी सरकार के मुखिया ने तोड़ दिया। किसके कहने पर तोड़ दिया आप? वीडियो बोले, डीएम बोला, उप विकास आयुक्त ने बताया, किसने कहा? जवाब देना होगा मुखिया जी। जवाब तो देना होगा, चाहे जैसे दीजिए आप। सर हाँ बोलिए। सॉरी समझे, आपसे मेरा रिक्वेस्ट नहीं, नो रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, आपने सरकार की संपत्ति का नुकसान किया है, किसके कहने पर नुकसान किया है ये बताइए। सर मैं आपको कह रहा हूँ रिक्वेस्ट। सर नो रिक्वेस्ट, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, किस वजह से हुआ नुकसान? पकड़िए आईडी। सर रिक्वेस्ट, सर आपसे मेरी निम्र निवेदन है कि आप थोड़ा संयम से काम लें। क्या संयम? आप मेरी समझे कि नहीं, कम से कम परिस्थिति बस। किस कौन सी परिस्थिति का हवाला दे रहे हैं आप? किस परिस्थिति का हवाला दे रहे हैं मुखिया जी? क्यों तोड़ दिया मकान? मकान क्यों टूटा? क्या बनाना था वहां? सर वहां पंचायत सरकार भवन बनाना था। हाँ, और जमीन वहां जो दिया गया था उसमें भवन जर्जर स्थिति में थी, इसलिए जो है सरकार भवन जो है बनाने के लिए वहाँ पर जो है ना वो उसको किया गया। सर परमिशन था आपके पास? मकान तोड़ने का परमिशन था या हाँ या नहीं? मुखिया जी जवाब दीजिए, सरकार भी जानना चाहती है कि मुखिया ने जिस पंचायत सरकार भवन को बनाएगा उससे पहले उस भवन को तोड़ देगा। 10 वर्ष पहले ही उस भवन का निर्माण हुआ था। मोजो बना लीजिए, मोजो में हाँ परमिशन नहीं था। रात में तोड़े, कब तोड़े बताइए, पूरी बात बताइएगा, नहीं बताइएगा बचिएगा नहीं। सर शाम को टूटा था। किस चीज से तोड़े मकान? किस चीज को लगाकर तोड़े? मजदूर को लगाकर तोड़े, जेसीबी लगाकर तोड़े, कैसे तोड़े? मटेरियल्स कहाँ है? मच्छर वही है सर, टोटल मच्छर वही। क्या सर प्रशासन को क्या बताया आप? मकान टूट कर गिर गई, वीडियो के कहने पर तोड़े? वीडियो ने लिखित दिया था आपको मकान तोड़ने का? मुखिया जी रिक्वेस्ट बताइए, आप कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे? कुछ और रंजीत भैया, तहरे परिचय का हमारा फिर बाद में ना नु कहियन के ऑल बॉल हो गई। जो आपसे भी तो परिचय हुई है जो हाँ बताइए।